हमारा ये नया वीडियो है प्रतिशतता परसेंटेज के बारे में। इसका आज हम पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंटों के पास पहुंच जाए और सभी लोग सब्सक्राइब करें ताकि जैसे कोई नया वीडियो आए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। कोई प्रॉब्लम हो या व्हाट्सएप नंबर या कमेंट में आप लिख सकते हैं। दोस्तों, प्रतिशतता को हम ये प्रतिशत का सिंबल होता है, इसका मतलब होता है 1/100। अब जैसे यदि हम देखें एक्स का 22% कितना होगा, तो 22% तो हो जाएगा 22/100, तो ये हो गया एक्स 22/100। अब जैसे देखें एक्स का 30%, तो एक्स गुड़े 30% मतलब 30/100। अब 50 का 25% देखेंगे तो 50 गुड़े 25% मतलब 25/100, इसको सॉल्व कर लिया तो इतना आ गया। 25% में 25/100 सॉल्व कर लिया तो इतना आ गया। अब इसके बाद दोस्तों है एक्स के मान में कमी का प्रतिशत निकालना है, तो कमी का प्रतिशत हो जाता है एक्स के मान में कमी बटे एक्स का मान गुणे 100%। अब मान लीजिए एक्स का प्रारंभिक मान है 50, अब उसके बाद 10 अंक घट करके हो गया 40, तो जो डिफरेंस आएगा तो यहां हो जाएगा 10 बटे प्रारंभिक मान 50 गुणे 100%। इसी तरह से दोस्तों यदि एक्स के मान में वृद्धि हो रही है, तो मान लीजिए एक्स के मान में वृद्धि हो रही है तो पहले एक्स का मान है कितना 40, बाद में हो गया 50, तो इसका मतलब 10 की वृद्धि हो रही है, तो ये हो जाएगा एक्स के मान में वृद्धि बटे एक्स का प्रारंभिक मान गुणे 100%। अब दोस्तों यदि ए अपान बी का हम प्रतिशत के रूप में लिखें तो इंटू 100% के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह से देखें जैसे 4/5 है, तो 4/5 गुणे 100% इसको कट कर दिए तो 20 आ गया, ये 80 हो गया मल्टीप्लाई किए। इसी तरह से 3/4 को हमने सॉल्व किया परसेंटेज के रूप में तो 75% आ गया। अब दोस्तों मान लेते हैं किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या x है और जनसंख्या की वृद्धि दर हो रही है r%। तब n वर्ष बाद, n वर्ष का मतलब 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष कुछ भी हो सकता है, तो n वर्ष बाद जो नगर की जनसंख्या होगी वो होगी x 1 + r/100 की पावर n। n क्या है दोस्तों? वर्ष की संख्या। अब यदि जनसंख्या में कमी है, आर परसेंट की दर से कमी हो रही है, तब नगर की जनसंख्या एन वर्ष बाद पहले हो जाएगी, मतलब 2 वर्ष 4 वर्ष पहले हो जा रही होगी x/1 + r/100 की पावर n। तो जब जनसंख्या की वृद्धि होती है तो ये मल्टीप्लाई में रहता है और जब जनसंख्या की कमी आती है तो ये डिवाइड में आ जाता है। दोस्तों जैसे 6% को हम भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 6/100 और दशमलव के रूप में लिखेंगे 0.06। इसी तरह से 23/36 को हम दशमलव के रूप में या प्रतिशत के रूप में कैसे लिखेंगे, तो प्रतिशत में 100 × %। ध्यान रखना है प्रतिशत के साथ 100 लिखना जरूरी है। अगर सिर्फ हम 100 लिखेंगे तब भी गलत माना जाएगा और सिर्फ प्रतिशत लिखेंगे तब भी गलत माना जाएगा। अब इसको हमने कट करके सॉल्व कर लिया तो इतना आ गया। अब इसमें इसको डिवाइड कर दिया तो भागफल हो गया 63, शेष आ गया 8, तो इसको भिन्न के रूप में लिख दिया गया। अब दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कंपटीशन के लिए। जैसे 450 का 28%, 280 का 45% दोनों को प्लस करना है, तो 28% मतलब 28/100 और 45% मतलब 45/100। इसको हमने कट कर लिया तो ये हो गया, प्लस कर दिया तो 252 आ गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 50 का 2 कितना प्रतिशत कहलाएगा। तो चूंकि हमें 2 कितना प्रतिशत निकालना है, इसलिए प्रतिशत हो जाएगा 2/50 × 100%। प्रतिशत के साथ 100 लिखना जरूरी है। 150 से कैंसिल हो गया तो 2 आया, 2 × 4% हो गया, मतलब 2 जो है 50 का 4% कहलाएगा। इसी तरह से 84 का यदि हम देखें
सात का 84 कितना प्रतिशत है, तो चूंकि 84 का हमें देखना है कितना प्रतिशत है, इसलिए होगा 84/7। इसमें दो कितना प्रतिशत है, 2/50, इसमें 84। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो 12 से कैंसिल हो गया और ये 1200 आ गया। इसके बाद दोस्तों यदि हम देखते हैं, यदि किसी की लंबाई है इतनी और उसकी लंबाई को यदि हम 3 अंक तक नापें तो पहले की लंबाई और बाद की लंबाई में त्रुटि होगा, डिफरेंस होगा, अंतर आएगा, उस अंतर को बोला जाता है त्रुटि। तो हमें त्रुटि का प्रतिशत निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जब हम किसी वैल्यू को हटाते हैं और अगर वो वैल्यू 5 से ज्यादा है तो उसके पहले वाले में 1 अंक जुड़ जाता है। चूंकि हम 7 और 2 को हटा रहे हैं तो 7 5 से बड़ा है, इसलिए 4 की जगह हो गया 5। तो अब 3 अंक में 1 2 3 अंक वाली संख्या हो गई 81.5। इसमें से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.08। अब हमें निकालना है त्रुटि प्रतिशत। तो त्रुटि प्रतिशत जब निकालेंगे तो त्रुटि आ रहा है 0.028 और ओरिजिनल वैल्यू है इतनी। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि दोनों वैल्यू में माइनस अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, प्रारंभिक वैल्यू इंटू 100% कैलकुलेट कर लिए तो ये आ गया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको सॉल्व करने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सॉल्व कर ले तो अच्छा है, अदरवाइज आप हमसे पूछ सकते हैं। मान लीजिए मोहन की आय है पहले 50% कम हो रही है, मोहन की आय यदि पहले 50% कम हो जाती है और फिर उसके बाद 50% बढ़ जाती है तो मोहन को हानि होगा कि लाभ होगा ये बताना है, और हानि होगा तो हानि का प्रतिशत, लाभ होगा तो लाभ का प्रतिशत बताना है। दोस्तों ये हो गया हमारा वीडियो, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।